डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे से मारपीट मामले में 48 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, आपको बता दें, कौशाम्बी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य के साथ मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया। 48 लोगों के खिलाफ कौशाम्बी पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसमें 23 नामजद तो 25 अज्ञात हैं। इन पर मारपीट के अलावा सोने की चैन व जेब में रखे हुए रुपए निकालने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि योगेश मौर्य के साथ चुनाव प्रचार के दौरान बीते 24 फरवरी को मारपीट हुई थी। बेटे योगेश मौर्य अपने पिता और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रहे थे। पैंसा कोतवाली क्षेत्र के उदहीन खुर्द में बवाल हुआ था। अब चुनाव खत्म होने के बाद पैंसा कोतवाली में 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बताया गया कि 4 दिन पहले ही योगेश मौर्य ने उक्त मामले की शिकायत मोहकपुर पैंसा कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने सोने की चेन लूटने समेत अन्य कई आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।